नमस्कार। ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम सुषमा अग्रवाल जी द्वारा लिखे गए उपन्यास नया रास्ता का अध्याय 17 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं इस अध्याय की प्रमुख घटनाओं को सारांश के रूप में कहती हूँ। प्रमुख घटनाएं हैं: नीलिमा के बेटे का नामकरण, मीनू और अमित दोनों की वहां उपस्थिति। अभी मैं सारांश कहती हूँ। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ ने मीनू को अनेक पत्र भेजे। उनके पत्रों से स्पष्ट होता था कि अपनी दोनों बेटियों से दूर होने के कारण वे कितनी अकेली महसूस कर रही थी। जब भी माँ या पिताजी का पत्र मीनू को मिलता, उसका मन बेचैन हो उठता। वे उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठती, लेकिन माँ अपने हर पत्र में उसे लगन से पढ़ने के लिए कहती, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज भी माँ का पत्र आया था। पत्र में जो लिखा था उसे पढ़कर उसके मन में माँ के प्रति अपार श्रद्धा उमड़ने लगी। एक एक शब्द में उनका प्यार झलक रहा था। तभी मीनू के कमरे में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू ने चकित होकर उनके अकेले ही हॉस्टल आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने कहा, नीलिमा ने पुत्र को जन्म दिया है, उसे पूरे आराम की आवश्यकता है। मीनू ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सुरेंद्र जी ने उसको एक कार्ड दिया और कहा, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। मीनू ने उनसे कहा कि वह जरूर आएगी। सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद मीनू उस कार्ड को देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, उसे सुंदर व चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी मिला। नामकरण के दिन कॉलेज से छुट्टी लेकर नीलिमा नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार लेने बाजार गई। उपहार लेकर वह नीलिमा के घर पहुंची। वहां पहुंचकर दोनों ने बहुत सारी बातें की, मानो वर्षों बाद मिल रही हूं। तभी सुरेंद्र जी के कुछ मित्र कमरे में प्रविष्ट हुए। उनके साथ उनका घनिष्ठ मित्र अमित भी था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ है? नीलिमा ने कहा, अमित भैया, वे बाहर ही काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनकर मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ये तो वही अमित है, बाजार में चप्पलों की दुकान से तो वह झटपट निकल भागी थी, परंतु अब कहाँ जाएगी? उसने मन में ये सोचा। ये सोच में डूबी थी कि तभी नीलिमा ने उसे बताया कि ये इनका मित्र अमित है, इसका रिश्ता टूट गया है। मीनू ने चौंककर कहा, क्यों, क्या हो गया? नीलिमा ने बताया कि मेरठ में ही किसी धन संपन्न घर में अमित का रिश्ता तय हुआ था। शादी से 1 महीने पहले ही लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कह दी, इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वाले चाहते थे कि दहेज में दिए जाने वाले फ्लैट में अमित अपने माता पिता को छोड़कर लड़की के साथ अलग रहे। नीलिमा ने फिर कहा कि अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे, पर वे अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बोल ना सके। मीनू चुपचाप बैठी सुन रही थी। नीलिमा कहने लगी कि अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वे बहुत पसंद आई थी उन्हें। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता ना हो सका, पर आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी नहीं हुई हो तो उसी से शादी करें। उस लड़की ने पहली मुलाकात में ही कोई जादू सा कर दिया था। नीलिमा नहीं जानती थी
कि वह लड़की मीनू ही थी। पहले जब भी कभी अमित की बात चलती, जब वह उसे कहीं दिखाई दे जाता, तो मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता था। परंतु आज अमित की बातें चली तो उसे बुरा नहीं लगा। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए। सबने बच्चे को आशीर्वाद दिया और नामकरण संस्कार ठीक प्रकार संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब वापस हॉस्टल जाना था। सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने गए। रात के 10 बजे तक अमित भी काम में व्यस्त रहे। वह जब नीलिमा के पास आए तो मीनू उसे वहां दिखाई नहीं दी। आज वह मीनू को अपने मन की बात नहीं बता सके। उसने नीलिमा से मीनू के बारे में पूछा। नीलिमा ने बताया कि वह सुरेंद्र जी के साथ अपने हॉस्टल वापस चली गई है। अमित के पूछने पर नीलिमा ने आगे बताया कि वे यहाँ पर वकालत की पढ़ाई कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के ही किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता अस्वीकार कर दिया था। तभी से वह निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे कि वह समाज में अपना सिर ऊंचा करके रह सके। ये सुनकर अमित को अपने आप पर शर्म आने लगी। उसे आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसी के कारण मीनू के जीवन में निराशा छा गई है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह स्वयं ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई थी। वह वहां पर अब एक पल भी और नहीं ठहर पाया और उसने नीलिमा से कहा कि भाभी, काफी रात हो गई है, अतः अब वह घर जा रहा है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा, जिसने पहली मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। ये था अध्याय 17 का सारांश। अब आप निकालें अपनी किताब नया रास्ता और अध्याय 17 पेज 61 किताब पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं आवश्यकता अनुसार व्याख्या करती रहूंगी। अपने हाथ में पेंसिल रखिए। परीक्षा उपयोगी पंक्तियों को तथा कठिन शब्दों को मैं रेखांकित करने के लिए कहती रहूंगी। आप कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते रहिए। तो आप पढ़ेंगे अध्याय 17। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। कितने महीने? 5। अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र में यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती। परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। तो माँ के पत्र से क्या आभास होता था? आभास होना का अर्थ है पता चलना, महसूस होना। माँ के पत्रों से आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना बहुत ही अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि आशा की शादी हो चुकी थी और मीनू हॉस्टल में रह रही थी। और जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उसका हृदय व्याकुल हो जाता। व्याकुल का अर्थ है बेचैन, डिस्टर्ब्ड, रेस्टलेस हो जाना। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगी। लेकिन माँ के पत्रों में क्या शिक्षा होती थी कि मीनू को लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्न का अर्थ है खुश थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा का अर्थ है सम्मान, रिस्पेक्ट,
माँ के प्रति आदर का भाव जागृत हुआ। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। प्यार झलक रहा था का मतलब है प्रकट हो रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए और वह भी अकेले ही। पहले जब भी सुरेंद्र जी आते थे नीलिमा उनके साथ होती थी, आज सुरेंद्र जी अकेले आए हैं, इसलिए मीनू हैरान है कि सुरेंद्र जी कैसे आ गए और वह भी अकेले। मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नीलिमा के ना आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार का अर्थ है नेमिंग सेरेमनी, तुम्हें अवश्य आना है, नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। विशेष रूप से का अर्थ है खास तौर पर। अभी सुरेंद्र जी कार्ड लेकर आए हैं मीनू को बुलाने के लिए, क्योंकि उनके नवजात शिशु का नामकरण है, उसी को हम कहते हैं नामकरण संस्कार। तो मीनू को नीलिमा ने विशेष तौर से बुलाया है, क्योंकि मीनू नीलिमा की घनिष्ठ सहेली है, अंतरंग सहेली है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी, मीनू ने कहा। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है, सुंदर व चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार में नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे, उपहार गिफ्ट। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई मानो वर्षों बाद मिल रही हो। तल्लीन हो गई का अर्थ है खो गई, निमग्न हो गई, एनग्रॉस्ड हो जाना, क्योंकि दोनों सहेलियां हैं, बहुत दिनों बाद मिली इसलिए बातें करने में खो गई। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? इस पंक्ति को रेखांकित कीजिए। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। अमित भैया वे बाहर ही काम में व्यस्त हैं। ये कौन बता रहा है? नीलिमा कह रही है अमित को पूछने पर। जब अमित पूछता है कि सुरेंद्र जी कहाँ पर हैं, तो नीलिमा कहती है कि वे काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीछ कर बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। क्यों आश्चर्यचकित रह गई? क्योंकि ये वही अमित था। कौन सा अमित? आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल गई थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? बाजार से कहाँ चली गई थी? याद कीजिए, जब
मीनू को चप्पलों की दुकान पर अमित दिखाई दिए थे और उसने माया से कहा था कि यहाँ पे चप्पलें अच्छी नहीं है। उस समय वह वहां से चली गई थी और अब वह सोच रही है कि अब वह कहाँ जाएगी। मीनू जब भी अमित को देखती उसके मन में अजीब सी घृणा, नफरत, हेट्रेड उत्पन्न हो जाती। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई। तल्लीनता का अर्थ है निमग्नता। कब भंग हुई? जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू इनका ये मित्र था ना अमित, जो मुझसे बातें कर रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंककर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे। ये पंक्ति को भी अंडरलाइन कीजिए। तीखे वचन का अर्थ है चुभने वाली बातें, हर्टिंग वर्ड्स। तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। भाव व्यक्त किए का अर्थ है विचार प्रकट किए। हाँ, वे ये चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है का अर्थ है एक ही बेटा है। ये बात कैसे संभव हो सकती थी? इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोल, सिर्फ गर्दन हिलाकर कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी। जारी रखी मतलब कंटिन्यू रखी। परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता-पिता के विरुद्ध ना बोल सके, तब अमित अपने माता-पिता के अगेंस्ट नहीं बोल सके। परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही सौंप दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि यहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया है पहली मुलाकात में ही। ये सब बातें नीलिमा मीनू को बता रही है, क्योंकि मीनू ने ये सब बातें कभी भी नीलिमा को नहीं बताई थी। नीलिमा को ये बात ज्ञात नहीं थी। ज्ञात नहीं थी का अर्थ है पता नहीं था, अन अवेयर होना। तो नीलिमा को ये बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तभी मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता था। परंतु आज उसे ना जाने क्या हो गया था, अमित की बातें चल रही थी तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। इस पंक्ति को रेखांकित कीजिए। ये पंक्ति मैंने यहाँ पे भी लिखी है, रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। ये आपका अवतरण होगा। हॉस्टल
कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा। ये पूरा अवतरण है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस पंक्ति को। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां दिखाई ना दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश का अर्थ है बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, मीनू को अपने हृदय की बात ना बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी। उत्सुकता क्या होती है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसके हृदय में क्या अमित के हृदय में उत्सुकता थी? क्या उत्सुकता थी? मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। जानकारी ली जाए का अर्थ है जाना जाए। वह जानना चाहता था मीनू के बारे में और उसने सोचा कि नीलिमा से इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंद कर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो अपने हॉस्टल चली गई है। इतनी रात में अकेले चली गई? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। इस पंक्ति को भी रेखांकित कीजिए। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। नामंजूर का अर्थ है अस्वीकार कर देना, रिफ्यूज कर देना। तभी से ये निराश हो गई है। निराश, डिसअपॉइंटेड। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वे समाज में ऊंचा सिर करके रह सके। नीलिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। आत्मग्लानि महसूस होने लगी, अपने आप पर शर्म आने लगी। He was feeling guilty. उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। निराश हो चुकी का अर्थ है ना उम्मीद हो गई है। She has lost hope. अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि अमित ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसे वहां एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए वह वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहां चल दिए? अमित कुछ उदास स्वर में बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा। मासूम चेहरा, भोला वाला चेहरा, इनोसेंट फेस, जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। ये था अध्याय 17। अवतरण यहाँ पे लिखा हुआ है। अवतरण के नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। तो इसी के साथ अध्याय 17 खत्म हुआ। धन्यवाद।